जैन दोस्तों स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग। इस बार दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बेसलाइन आकलन 2022-23 कक्षा 9वीं विज्ञान का पेपर। दोस्तों आपका जो विज्ञान का बेसलाइन टेस्ट होने वाला है यहाँ पर 20 अक्टूबर 2022 को दोस्तों यही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों ये पेपर आपकी परीक्षा में 40 अंकों का आने वाला है और समय होने वाला है यहाँ पर 60 मिनट का, मतलब 60 मिनट में आपको इस पेपर को हल करना अनिवार्य है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने यहाँ पर नाम लिखना होगा, स्कूल का नाम आपको यहाँ पर चूज करना होगा। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर स्कूल का नाम है ये आपको यहाँ पर लिखना होगा और लिंक आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, और दिनांक आपको यहाँ पर लिखना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, सबसे पहले आपको इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा है पार्ट ए से। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका पार्ट ए से क्या पूछा है दोस्तों इस पेपर टोटल यहाँ पर दोस्तों सही विकल्प वाले क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का आवश्यक घटक है ये आपको बताना है। दोस्तों आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी इसके साथ ही मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का आवश्यक घटक ये आपको बताना है, इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर दावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दूसरे यहाँ पर सभी के लिए पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से बनता है ये आपको बताना है, इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका यहां पर आवल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देख लीजिए, आपका तीसरे यहाँ पर सभी का पूछा है, पौधों की मुख्य जड़ कहलाती है। दोस्तों पौधों की मुख्य जड़ क्या कहलाती है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर सावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर चौथे यहाँ पर सभी कल पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है दोस्तों, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है क्या कहलाता है ये आपको बताना है। दोस्तों इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपके यहाँ पर आ वाला, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर पांचवें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक घटक है ये आपको बताना है, इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपके यहाँ पर दावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए, आपके यहाँ पर छठे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन चाहे यहाँ पर पूछा है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ पचे हुए भोजन का यहाँ पर उत्तर पोषण किस भाग द्वारा होता है ये आपको बताना है, इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपके यहाँ पर धावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सातों क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए फटाफट, रक्त में से हानिकारक पदार्थों का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर तो आपका सावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा, फेफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, इसका आंसर लगा लीजिए। अब से आप देख लीजिए, आपके पास आठवें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर का यहाँ पर सामान्य ताप है। दोस्तों मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है ये आपको बताना है, इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर आपका 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, मतलब 37 डिग्री आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नौ क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर पारदर्शी पदार्थ है ये आपको बताना है। पारदर्शी मतलब दोस्तों जिसके दोस्तों याद से दोस्तों मतलब उसके दूसरी ओर भी देख सकते हैं, उसे कहते हैं हम पारदर्शी कहते हैं, मतलब आर पार देखा जा सकता है उसे हम कहते हैं पारदर्शी कहते हैं। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका आ वाला मतलब कांच, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पर दसवां क्वेश्चन देख लीजिए, जल को जल कांच में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपको बताना है, इसका आंसर लगा लीजिए। यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आपका यहाँ पर आवल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 11 दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ऐसा विलय जिसमें और अधिक विलय नहीं गोला जा सकता है क्या कहलाता है, ऐसा विलय जिसमें और अधिक विलय नहीं गोला सकता है उसको क्या कहते हैं आपको बताना है, इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपके यहाँ पर सावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देख लीजिए, आपके यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन क्या सही दही से उपस्थित होता है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से क्या दही से उपस्थित होता है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपके यहाँ पर आ वाले, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पर 13 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, 13 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटी के दंक में उपस्थित होता है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। चींटी के दंक में दोस्तों यहाँ पर फार्मिक अम्ल होता है, तो इसका आंसर आपका दोस्तों आ वाले, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके 14 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, 14 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों ये आपको बताना, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपके पास आ वाला, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहां पर देख लीजिए, आपका यहां पर दोस्तों 15 क्वेश्चन आप पूछा है, विद्युत घटी कार्य करती है। दोस्तों विद्युत घटी कार्य किस कारण से करती है, इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका बावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, आपका 16 यहां पर क्वेश्चन पूछा है,
या पूछा दोस्तों अंतरिक्ष में स्पेस शिप में किसी मापी से भरे गिलास को उल्टा करने पर क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा ली, इसका आंसर आपका दावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 17 क्वेश्चन यहाँ पर देख ले, 17 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सूर्य से हम तब उष्मा किस प्रकार पहुँचती है, मतलब सूर्य तक से हम तक उष्मा किस तरह से पहुँचती है, इसका कारण बताना है। तो इसका आंसर लगा ले, इसका आंसर आपका सवाल, इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 18 क्वेश्चन यहाँ पर देख ली, यहाँ पर दिया 50 डिग्री तक गर्म लोहे की को 50 डिग्री को जल से डुबाया जाता है, तो इस क्रिया में उष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, इसका आंसर तो आपके पास सवाल, इसका राइट आंसर आ जाएगा ठीक है। अब तो आप देखिए, आपका 19 क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, इसका आंसर दोस्तों आपका बावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आपका 20 यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु डूब जाएगी, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका आंसर लगा लीजिए, इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर आवल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब तो यहाँ देख लिया, हम चलते हैं पार्ट बी पर। लो पार्ट बी का यहाँ पर 21 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर आ वाला, मतलब मच्छर द्वारा यहाँ पर मलेरिया रोग फैलता है ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, आपका 22 क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर दिया तो अचरणीय रोग का कारण का उदाहरण है, ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, इसका आंसर तो आपका यहाँ पर कैंसर, इसमें राइट आंसर आ जाएगा ठीक है। अब तो यहाँ देख लिया, आपका 23 क्वेश्चन पूछा है, पौधों द्वारा जंतुओं को कहीं पर यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आप क्या क्या दोस्तों, इसका आंसर आप करो तो यहां पर उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर आ जाएगा ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देख लीजिए, आपके 24 क्वेश्चन पूछा है, माता-पिता से संतानों में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपके पर आ वाला, इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहां पर देख लीजिए, आपका 25 यहां पूछा गया है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, आपको बताना है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका यहां पर आ वाला, इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस पेपर को आप ध्यानपूर्वक देखिए, तभी दोस्तों इस पेपर को आप अच्छे से याद कर पाओगे ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख लिए, आपके यहाँ पर दोस्तों 26 क्वेश्चन पूछा है, शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, इसका आंसर दोस्तों आपके यहाँ पर आवल, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख लिए, आपका यहाँ पर 27 क्वेश्चन पूछा गया है, जनन की या क्रिया जिसमें एक से एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाती है, ये आपको बता रहे हैं। इसका आंसर लगा लीजिए, इसका आंसर दोस्तों आपके यहाँ पर आवल, इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। हम चलते हैं यहाँ पर 28 क्वेश्चन पर दोस्तों। 28 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पर स्थित होती है, जो थायराइड ग्रंथि होती है दोस्तों वो मानव शरीर के कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए, इसका आंसर दोस्तों आपके यहाँ पर राइट आंसर आपका आवल, इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। आपका 29 क्वेश्चन देख लीजिए, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है दोस्तों, जो ग्रीन हाउस गैसें होती है वो कौन सी गैसें होती है, ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, इसका आंसर दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 30 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया, जल के शुद्धिकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है दोस्तों, तो उसमें मिलाया जाता है आपका बावला, मतलब क्लोरीन, Cl का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन मिलाया जाता है ठीक है। अब दोस्तों आप देख लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 31 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन में क्या पूछा है, देख लीजिए, धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है दोस्तों, धातु होती है तो उसमें कौन सा गुण यहाँ पर पाया जाता है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर दावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा ठीक है। अब से आप देख लीजिए, आपका 32 क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें राइट आंसर लगा लीजिए। 32 क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर आवल, इसका राइट आंसर आ जाएगा ठीक है। अब से आप देख लीजिए, आपका यहाँ पर दोस्तों 33 क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दोस्तों 32 क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो दोस्तों इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर दावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दोस्तों 33 क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया है ठीक है, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब दोस्तों निम्नलिखित में से किसका घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों दावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं यहाँ पर 34 क्वेश्चन पर, दहन की क्रिया किस प्रकार सघन होती है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर हो तो आपके यहाँ पर आवल, इसका राइट आंसर आ जाएगा ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर, मतलब दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर 35वें क्वेश्चन पर।
बल क्या है? दोस्तों बल क्या होता है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर दावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दोस्तों 36 क्वेश्चन आप पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप यहाँ पर गेट बल द्वारा संभावित नहीं है, ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर सावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 37 क्वेश्चन आप पूछा है, घर्षण बल की दिशा होती है, दोस्तों जो घर्षण बल होता है उसकी दिशा किसके ओर होती है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका बावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तो आप देख लीजिए, आपके पास 38 क्वेश्चन आप पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर दिया दोस्तों लबर्ड बल का उदाहरण है, ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर बावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं आप 39वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है, दोस्तों यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है, ये आपको बताना है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका बावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप देख लीजिए, आपका इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है, 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है, दोस्तों कौन सा यहाँ पर सही संबंध है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर तो आपका यहाँ पर बावल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दाब बराबर यहाँ पर दिया है, दाब बराबर बल बटे दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों, बल बटे आपका क्षेत्रफल, इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ टेस्ट का पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जो आपका 20 अक्टूबर को आने वाला है, ठीक है, यहाँ पर कक्षा 9वीं का विज्ञान का, ठीक है, तो अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। और दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पर मिलती रहती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।